हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्यम अरोरा एंड आई एम कम विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो विद द क्वेश्चन। ए सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, मतलब ऐसा कोन, और उसे एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड किया गया है, मतलब रखा गया है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर बनाया हमने और ये इसके ऊपर रखा गया है कोन। ठीक है, अब इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2। अब जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो है 4.2, तो मतलब इसकी हाइट भी यही हो सकती है, क्योंकि रेडियस और हाइट तो एक ही रहती है हेमिस्फीयर में और स्फीयर में। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2, रेडियस है 4.2 एंड द टोटल हाइट इज, टोटल हाइट मतलब कोन से लेकर ये बॉटम तक, ठीक, कितनी है टोटल हाइट? 10 to 10.2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, हमें टॉय की वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो इसे कैसे करेंगे? पहले देखेंगे हाइट क्या दी गया है हमें, हाइट क्या दिया गया है, हाइट हमें दिया गया है टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना? 10.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? हम लोग अगर इसे पार्ट में करेंगे तो पहले कोन है और फिर हेमिस्फीयर है, तो हमें पहले कोन का एरिया निकालना है और उसके बाद फिर बाद में हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है। तो हम कोन की हाइट कैसे निकालेंगे? कोन की हाइट को निकालने के लिए हम 10.2 से माइनस कर देंगे 4.2 को, जिससे आ जाएगा हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होगी कोन की हाइट, सिर्फ कोन की हाइट, क्योंकि रेडियस जो हेमिस्फीयर का रेडियस है उसकी हाइट के हमेशा बराबर होता है। तो इसकी हाइट माइनस टोटल हाइट, तो हमारे पास आ जाएगी कोन की हाइट। ठीक है, अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.2 एंड ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। फिगर में देखो, फिगर में देखो कैसे कोन के ऊपर बनाया गया है ये, तो इससे साफ पता चल रहा है कि इन दोनों का रेडियस सेम होगा। तो हमने क्या लिखा है? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4.2 एंड इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन के भी हेमिस्फीयर के कोन के रेडियस इक्वल हैं। अब आगे, अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ कोन की, निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम क्या होगा। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 है ना, इसका यही होता है फॉर्मूला कोन का वॉल्यूम निकालने का। ठीक, पाई कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर कितना दिया गया है? 4.2 इंटू 4.2, हमें रेडियस का स्क्वायर निकालना होता है ना, इसमें अपॉन लिख देते हैं 3, फिर इंटू एच हमारा कितना है? हाइट 10.2 नहीं, 6 सेंटीमीटर है हमारी हाइट, कोन की हाइट है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है हमारी कोन की हाइट। अब आगे करेंगे तो आएगा हमारा ठीक है। अब हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन आ गई इतनी, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गई हमारी 110.8888 आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? टू बाय थ्री पाई
आर क्यूब, ये होता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, सॉरी हेमिस्फीयर का। मैं स्फीयर लिखना था यहाँ पे, मैंने स्फीयर लिख दिया था। अ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है रेडियस की, रेडियस है हेमिस्फीयर का 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब इसको निकाल ले बैठते हैं हम लोग। फोर से इंटू करेंगे 1.4, तो हमारा आएगा इंटू 0.6 और इंटू 4.2। इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 155.232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा इसका आ गया। और अब हमें आगे निकालना है, ठीक, ये हमारा आ गया वॉल्यूम का भी, हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारी आ गई इतनी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारी इतनी आ गई, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गई हमारी इतनी, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम लोग लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल वॉल्यूम इज इक्वल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। देखा जाए तो हमें इनका कोण और इसका प्लस करके वॉल्यूम हमारी आ जाएगी टोटल। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कोण की वैल्यू कितनी आई इतनी, और हेमिस्फीयर की वैल्यू कितनी आई इतनी, इन दोनों का सम होगा 1088 प्लस 155.232। अब इन दोनों का सम हमारा कितना आ जाएगा, 266.112 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा हमारा आंसर टोटल। तो टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी आई, इतनी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू इतना। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब इट।